Well, the state Congress President Devendra Yadav announced the launch of the Delhi Nyaya Yatra, which aims to cover all 70 Vidhan Sabha constituencies in Delhi in the upcoming days. Well, the Yatra began today from Rajghat, with Yadav emphasizing the party's focus on demanding justice for residents. As a symbolic gesture to awaken the Delhi government's attention, well, Yadav and his team also conducted a cleanliness drive at Chhattgarh in ITO, underscoring their commitments to both governance issues and civic responsibility. के माध्यम से दिल्ली न्याय यात्रा जो है वो राजघाट से निकाली जा रही है। आज बहुत बड़ी संख्या में आपके साथ यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं। आज शुभारंभ होने वाला है, क्या कुछ खास होगा सर? देखिए, आप जानते हैं कि आज 8 तारीख है और दिल्ली न्याय यात्रा आने वाली 70 की 70 विधानसभाओं में पहुंचेगी। उसकी शुरुआत आज राजघाट से हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने ये महसूस किया कि दिल्ली की इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया जाए, और जो आदरणीय बापू महात्मा गांधी का दिखावा एक रास्ता है कि स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, लिहाजा हम छठ के इस घाट पर आए हैं जो आईटीओ में स्थित है। यहाँ पर एक टोकन स्वरूप हमने सफाई का काम किया है। आज सभी यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी प्रकार की सफाई और इस तरीके से हम लोगों के बीच में पहुँचेंगे, लोगों के दुख और दर्द जानने की कोशिश करेंगे और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित ही आज यहाँ पर हम आए हैं इस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है वो इस घाट की साफ सफाई का कार्य करेंगे। अगर उन्होंने अभी भी उनकी सोती हुई नींद नहीं जगी तो यात्रा के पश्चात हम पूरे इस क्षेत्र को साफ करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि यात्रा जो है उसका शुभारंभ आज है, छोड़ दो, चलो गाड़ी में चलते चलते। हाँ।